Hey guys, and welcome to another vlog of A Day in My Life. जब भी मैं अपने हस्बैंड के पास आती हूँ तो मोस्टली मुझे अकेले रहना पड़ता है. बट जस्ट लुक एट दिस व्यू, जस्ट लुक एट वेयर आई लिव. इट्स सो ब्यूटिफुल, आई कांट रियली कंप्लेन. कैन आई? फौज के राशन में मिलता है भर भर के फ्रूट, बट ट्रस्ट नहीं, ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि एक बंदा तो कर ही नहीं सकता. बट हम फिर भी जैसे दो बंदे हैं, बट दूसरा बंदा घर तो होना चाहिए कंज्यूम करने के लिए. इसलिए अब मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब हम इनका जूस बना सकते हैं सुबह सुबह. तो दैट इज वन वे टू कंज्यूम इट. थोड़ा सा इसमें पुदीना भी डाल देना चाहिए. ऐसे तो बोलते हैं कि जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि जो फ्रूट में अच्छे अच्छे चीज़ें होती है वो तो निकल जाती हैं. इस रूम में बाय गॉड इतनी अच्छी लाइटिंग आती है ना, लिटरली सबसे पहले इसी रूम में आके यहाँ पे पड़ जाती हूँ. पुदीना कुछ ज्यादा हो गया. मुझे जस्ट याद आया कि मैंने आज दूध नहीं निकाला है बाहर से. गॉड, बंदर दूध लेके नहीं गए. तो बालकनी में निशान देख रहे हो ना इतने सारे, ये बंदर जो होते हैं ना ये यहाँ पे आते हैं, दूध को फाड़ते हैं, दूध को पीते हैं और वो सारे यहाँ स्पिल हो जाते हैं, उसके निशान है. क्योंकि पिछले दो दिन से हमारा दूध बंदर लेके जा रहे हैं. आज ये दूध सेफ है तो इसको लेके चलते हैं अंदर. आज मुझे बहुत काम है ऑफिस का. वैसे तो आज फ्राइडे है बट कल थर्सडे आ गया था बीच में गैप. और ये एमएनसी की एक आदत सी लगी है कि छुट्टी वाले दिन तुम काम नहीं करते. तो काम थोड़ा सा मेरा पाइल अप हो गया है और मेरे को आज वो काम खत्म करना है. माय हार्ट इज स्टिल रेसिंग बिकॉज आज हमारे घर पे फिर से हुआ है बंदरों का अटैक. वो देख रहे हो आप, वो जो उसने सेब पकड़ा हुआ है, ये बंदर इस वक्त हमारे घर के अंदर था एंड ये लेके गया है हमारे घर से सेब. सो स्कैर्ड राइट नाउ. वो देखो ये छोटा छोटे बंदर को भी लेके आ रहे हैं, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं ये कि बेटू यहाँ पे मिलता है दूध, यहाँ पे आपने आना है सुबह सुबह और अटैक करना है और दूध लेके जाना है और अंदर घुस के ना फ्रूट्स लेके जाने हैं. तो कनिष्क को भी इतना नहीं पता होगा कि हमारे घर पे कहाँ फ्रूट्स रखे हैं और कहाँ पे खाने की चीजें रखी हैं जितना इन बंदरों को पता होता है. गाइस, माय यूट्यूब हैज 6.98K सब्सक्राइबर्स. क्या हुआ? एक और प्लांट. ये देखो दिस इज माई लाइफ. लोग बोलते हैं कि तुम घर पे अकेले करती जाओ, मैं सफाइयां करती हूँ, बट ये प्लांट की रूट्स को खा रहे हैं. अच्छा, इसीलिए इतनी तबाही मचाते हैं. मेहर को ना सच में आई फील, देखो इसको कोई शर्म नहीं है, इसको इसको कोई डर नहीं लग रहा. हमारे घर के बंदर ना हमारे घर के बंदर हर्बी बोर्ड्स है, ये घास भी खाते हैं. ये वाला जो पॉट है ना, ये मेरा इतना फेवरेट पॉट था क्योंकि ये मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे शादी करके आई थी तो मुझे ये गिफ्ट मिला था एंड इट वाज सो प्रेशियस टू मी. अब देखो इसके टुकड़े हो गए हैं. देखो है इसको शर्म, है शर्म है. आज सबको बताऊंगी मैं, पूरी दुनिया को पता चले क्या होता है यहाँ पे. अभी भी लगा हुआ है खाने, ये कोई खाने की चीज है? यहाँ पे देखो, ये देखो अलग ही जिमनास्ट सो रहे हैं यहाँ पे. है इसको शर्म? मेरा ना इस वक्त इतना मूड खराब हो गया ना, आई लिटरली फील लाइक क्राइंग. सो आई वाज सेइंग कि मेरे यूट्यूब पे 6.98K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एज ऑफ नाउ. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू इट नाउ. इट्स टाइम टू गेट सम वर्क डन. व्हाट वर्क डू आई हैव टुडे? देखो कितना लेट हो गया है, अभी तक मेरा लंच नहीं बना है. सुदीप्ति, प्याज है? प्याज, हाँ हाँ प्याज है. प्याज मिल गया. हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आलू बढ़िया. छह बज गया, दिन हो गया है खत्म और आज सूरज भी कहीं और से उगा है बिकॉज माई हस्बैंड इज होम अ लिटिल अर्लियर देन यूजुअल. और पहला काम जो हमने किया है
वो एक जैकेट मंगाई थी मैंने गणेश के लिए और वो ही ट्राई की है। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है तुझ पे। गणेश वाज सो एक्साइटेड टू बी इन दिस व्लॉग। ही वाज लाइक ये आज भी व्लॉग बन रहा है। मुझे व्लॉग में जाना है, मुझे व्लॉग में जाना है। ये जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी धोने। ड्राइवर गाड़ी यहाँ लगाओ। हमारे घर पे बंदर आए थे, अंदर सेब लेके गए कि पता नहीं अनार लेके गए। खुला रह गया था क्या तेरा? दीदी ने थोड़ा सा खोला था 2 मिनट के लिए। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया मेरे पति को समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात कर रही हूँ या मैं कैमरा से बात कर रही हूँ। खड़े रहना क्या? नहीं मैं आई एम फॉलोइंग यू लाइक अ कैमरा। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ हाउ अमेजिंग यू आर। गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी साफ तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही साफ करते हैं ना पहले वो नीचे का। अपने बालों के लिए लेना नहीं ढंग का कुछ। कार के लिए कार शैम्पू लिया है। आप नहीं नंदे बुल चमकोंदे। गणेश दिन में कटू मैं खेली खुदी राती की या कटूरे काटू मुझे मोटा इग्नोर मारते हुए फुल फोकस के साथ अपनी गाड़ी साफ कर रहा है। अब मैं अपने बल का प्रदर्शन करते हुए ऐसे खाएंगे। तू ले क्या पानी भर ले जल्दी। तू ले क्या जल्दी लेके। चलो गाइस इन घने जंगलों में हम पानी के तलाश में निकल पड़े हैं। ये देखो यहाँ से ही आते हैं सारे वो जो जानवर आते हैं ना। सोचो ऐसी जगह पे रहोगे तो आपके आएंगे ही सांप मेंढक। बस मुझे ये लग रहा है अभी ना कुछ आ जाए क्योंकि मैंने वैसे भी स्कर्ट डाली हुई है। कितना कुछ रहता है ये। आज अंजलि आंटी व्लॉग बना रही है यूट्यूब पे देखना। मैं करूँ तू मेरी वीडियो बना। इसको जो मुझे सरप्राइज देना है उसके लिए मैंने केक बनवाया है वो रेडी हो गया है एंड वी हैव टू गो एंड पिक इट अप। बट द सैड पार्ट इज कि मुझे उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो मैंने उसको ऐसी झूठ मूठ बोल दिया कि मैंने ना वहाँ पे एक लेडी से वास खरीदा है तो वो हमें पिकअप करने जाना है उसके लिए गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो फिर अभी इज वेटिंग फॉर मी डाउनस्टेयर। कभी जैसे गणेश जल्दी आ जाए घर तो मेरे ड्राइविंग लेसन्स भी होते हैं। देखा कितना मस्त चलाती हूँ मैं। ये टू टू क्यों हो रही है? तूने वो ही नहीं लगाई सीट बेल्ट? सीट बेल्ट लगा। अरे ये वाला बड़ा खतरनाक रोड है। अरे कोई आ रहा है क्या? नाम का साउथ इंडिया है मोड़े से पूरे हिमाचल वाले हैं। ठीक काटू 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 मैं काटू रे। बस सीधा कर दे सीधा कर दे सीधा कर दे। हम घर आ गए और मैंने गणेश को नहाने भेज दिया है। मैंने उसको बोला कि मैं खाना वाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो नहा के आ। एंड द सरप्राइज हैज बीन डिस्प्लेड हियर। ये कटलरी मैंने बड़ी महंगी ली थी जब हमारी नई न्यू शादी हुई थी तो ये चमचों के साथ मैंने कटलरी बहुत एक्सपेंसिव ली थी। फाइनली आज ये कटलरी यूज होने वाली है। दुनिया का बेस्ट आटा गूंथता है ये अपना पूरा जोर लगा देता है इस पे। और देखो यहाँ पे ये मेरी गाजर आलू और मटर और टमाटर सब कुछ रेडी है। हमने क्या बनाया? गाजर मटर आलू की सब्जी और रोटियां घी वाली। पूरा दिन घर पे ऐसे ही बन के घूम रही थी पर देखो वर्क फ्रॉम होम की सच्चाई तो यही है कि सब ऐसे ही बन के घूमता है। और मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ रहा है ब्लॉगिंग का तो मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं सुंदर पहले बन जाऊंगी और फिर बिस्तर में बैठ के सोऊंगी। हाय स्किन केयर टाइम। जब मैं हिमाचल में उठती ना तब मेरे बाल भी बहुत अच्छे होते थे और मेरे स्किन भी बहुत अच्छी रहती थी। पता नहीं क्या है ये शहरों के पानी में ये शायद मुझे बुढ़ापा आ रहा है। मैं ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैं भी पहली बार ही लगा रही हूँ ये सब। देखो इफ इट वर्क्स देन आई विल टेल यू
कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक दैट, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ऑल दोस थिंग्स दैट यू हैव टू डू टू सपोर्ट आवर यूट्यूब चैनल. ओह माय गॉड, इज दिस द साइनिंग ऑफ लाइन? आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग बेटर. बाय.